तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, ये मोदी जी के तरफ इशारा है अपना। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी भी नाप के देखो तो कम निकलता है। यानी इतना झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं इनकी ये। और एक इम्पॉर्टेंट, ओबीसी की बात करते हैं और आदिवासियों की, सोरेन सरकार ने एक आदिवासियों के लिए एससी एसटी के लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके भेजा, वो गवर्नर के पास पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या किया था, गठबंधन की सरकार, ये हमारी जेएमएम सोरेन जी के नेतृत्व में 2022 में झारखंड सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव दिया था, विधानसभा पास की है। और एससी के लिए 10 से 12 और एसटी के लिए 26 से 28, ये जो आरक्षण ये 2022 में दिया हुआ है ये वहीं पर पड़ा है। अगर आप गरीबों के हमदर्द है, ओबीसी के हमदर्द है, तो आप 14% को 27% क्यों नहीं करते? चौदह से 18 क्यों नहीं करते? आदिवासियों को जो मिलना चाहिए 26 से 28, वो क्यों नहीं करते? अरे भाई, बोलना आसान है, अगर कोई निभाता है ये आगे भी। आज जो संविधान को बचाने का काम आप लोगों ने किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अगर मोदी जी को पूरा उनको अगर मेजॉरिटी मिलती तो संविधान को अदल बदल कर देते थे। संविधान उनको माइनॉरिटी गवर्नमेंट है आज उनकी, इसीलिए वो आप चुप बैठे हैं। वो आपको सबको धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने संविधान की रक्षा की, इसीलिए वो रुक गया है।